तो दोस्तों, आजकल पोल्ट्री इंडस्ट्री में एक नाम बहुत सुनने में आ रहा है और वो है कड़कनाथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कड़कनाथ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कड़कनाथ की फार्मिंग कैसे की जाए और उसके मीट और अंडे खाने से लोगों को कितने फायदे होते हैं, ताकि कड़कनाथ की फार्मिंग करने वाले फार्मर भाई अपने कस्टमर्स को कड़कनाथ से होने वाले फायदों के बारे में समझा के अपनी मार्केटिंग अच्छे से कर सके। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चिराग पटेल और आप देख रहे हैं पोल्ट्री सॉल्यूशंस विद चिराग पटेल। तो दोस्तों, चलिए कड़कनाथ के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। तो कड़कनाथ एक इंडियन ब्रीड है और वो मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में से पाया गया था। और कड़कनाथ तीन तरह के होते हैं, जैट ब्लैक, पेंसिल्ड और गोल्डन। तो चलिए दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि कड़कनाथ की फार्मिंग कैसे करें। तो पहली बात कि YouTube पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस चल रही है कि कड़कनाथ मुर्गी के पालन से हजारों कमाइए, लाखों कमाइए। तो आप ऐसी कोई वीडियो देख के उत्सुक होके ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कर बैठना, क्योंकि एक बार आप कड़कनाथ के चिक्स ले तो आएंगे, लेकिन उनके बड़े होने पे उनको बेचोगे कहाँ अगर आपके पास मार्केट नहीं है तो। लेकिन अगर आपके पास मार्केट है तो आप 500 या 1000 चिक्स लाके उनको बड़ा कर सकते हैं, या फिर उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कड़कनाथ का मार्केट नहीं है तो आप 50 या 100 चिक्स से शुरुआत कीजिए। तो 50 चिक्स के लिए आपको 100 स्क्वायर फीट जगह की ज़रूरत होगी, और दाने में आप उनको घर का दाना भी खिला सकते हैं या फिर जो रेडीमेड दाना आता है वो भी खिला सकते हैं। और अगर आप उनको सिर्फ मीट के लिए बड़ा कर रहे हैं तो उनको आप ब्रॉयलर का दाना भी खिला सकते हैं। लेकिन अगर आप उनसे अंडे लेना चाहते हैं तो तीसरे महीने से उनको लेयर का दाना खिलाना पड़ेगा। और वैक्सीनेशन में 7वें दिन रानीखेत, फिर 15वें दिन में गंबरो, फिर 27 से 28वें दिन में फिर से रानीखेत, और बर्ड्स के 2 से 2.5 महीने के होने पे उनको रानीखेत और फाउल पॉक्स के इंजेक्शन लगवाने होंगे। तो इन सब चीज़ों के बाद आपके बर्ड्स 4 से 5 महीने में तकरीबन 1 किलो के हो जाएंगे। पर अब मेन बात आती है कि आप इनको बेचोगे कहाँ। तो जिन लोगों को कड़कनाथ की खूबियों के बारे में मालूम है वो लोग तो सामने से आपके पास आके कड़कनाथ को लेके जाएंगे, लेकिन जिन लोगों को कड़कनाथ की खूबियों के बारे में मालूम नहीं है उन लोगों तक आपको कड़कनाथ की खूबियों को पहुंचाना होगा। तो इसके लिए आपको अपनी मार्केटिंग खुद ही करनी पड़ेगी। तो मार्केटिंग के लिए आप सोशल मीडियाज का उपयोग कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप। फिर आप हो सके उतना लोगों से ज़्यादा मिलिए और कड़कनाथ के बारे में बात कीजिए और उनको समझाइए कि कड़कनाथ का मीट खाने से कितने फायदे होते हैं। लेकिन ये सब चीज़ों को करने से पहले आपको खुद को मालूम होना चाहिए कि कड़कनाथ की खूबियाँ क्या है और उसका मीट खाने से क्या-क्या फायदे होते हैं। तो चलिए पहले हम कड़कनाथ की खूबियों के बारे में जान लेते हैं। तो कड़कनाथ में कोलेस्ट्रॉल 0.75 से 105% तक होता है और दूसरी मुर्गियों में 13 से 25% तक होता है। फिर प्रोटीन 25% तक होता है और दूसरी मुर्गियों में 18 से 20% तक होता है। फिर लिनोलिक एसिड 24% तक होता है और दूसरी मुर्गियों में 21% तक होता है, और इसमें 18 तरह के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। और विटामिन्स में B1, B2, B3, B6, B12, C और E तक होते हैं। फिर इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन भी होते हैं। और कड़कनाथ का खून काला नहीं लेकिन डार्क मरून कलर का इसलिए है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा है। तो जिन लोगों में खून की कमी है उन लोगों के लिए कड़कनाथ फायदेमंद होता है। फिर ये दूसरे प्रॉब्लम्स में भी फायदेमंद है, जैसे कि एफ्रोडिसियक, यानी कि जिन लोगों को यौन संबंध से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों के लिए भी ये फायदेमंद है। फिर दूसरे प्रॉब्लम्स जैसे कि स्किन प्रॉब्लम्स, स्टेरिलिटी, मेनोक्सोनिक और हैबिचुअल अबॉर्शन जैसी कई बीमारियों में ये फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, ये हो गए कड़कनाथ का मीट खाने के फायदे।
तो अब देख लेते हैं कि कड़कनाथ के अंडे खाने से क्या फायदे होते हैं। तो कई लोगों का मानना है कि कड़कनाथ के अंडे भी काले होते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। कड़कनाथ के अंडे काले नहीं होते हैं, वो हल्के भूरे रंग के होते हैं। फिर ये अंडे बड़ी उम्र वालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। फिर जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन लोगों के लिए भी ये फायदेमंद है। फिर ये सिर दर्द में अच्छा है। फिर कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के बाद सिर दर्द की समस्या रहती है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। फिर ये कमज़ोर लोगों के लिए अच्छा है। फिर जिन लोगों को अस्थमा की समस्या है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहता है। फिर जिनको नेफ्रिटिस यानी कि किडनी में सूजन रहती है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद रहता है। और कड़कनाथ की इन खूबियों के बारे में सेंट्रल फूड रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैसूर ने भी कहा है। तो दोस्तों, जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था, वैसे आप कड़कनाथ की फार्मिंग छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए और साथ में अपनी मार्केटिंग भी करते रहिए। और जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, वैसे वैसे आप कड़कनाथ के चिक्स की प्लेसमेंट को बढ़ाते रहिए। ओके, तो दोस्तों, आशा रखता हूँ कि आज का ये कड़कनाथ का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ओके, तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।